इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर एमसीडी के सभी 250 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और आप 134, बीजेपी 104 सीटों पर जीती है। कांग्रेस को 9 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है और अन्य पर 3 सीटें पहुंची हैं। आपको बता दें कि आपको 85 सीटों का फायदा मिला है, बीजेपी को 77 सीटों का नुकसान हुआ है, कांग्रेस को 22 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछली बार तीनों नगर निगम में कुल 272 सीट थी और वार्ड तीनों में भाजपा जीती थी, 181 वार्ड आप और 49 पर और कांग्रेस जीती थी 31 सीटें। लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों को काफी लॉस हुआ है, लेकिन यहां पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है आप पार्टी ने, 134 सीटें हासिल की है। बीजेपी महज 104 और कांग्रेस को 9 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। आपको बता दें कि चुनाव बेहद दिलचस्प थे, सबकी नजर टिकी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि हमारा मकसद था कि कैसे भी करके हम लोगों का विकास करें और इसके लिए हमने अस्पताल और स्कूल में अपना ध्यान लगाया और डेवलपमेंट किया, शायद इसी का नतीजा है कि जनता ने हमें जिताया है। और उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक तंज भी कसा कि अब मोदी जी के आशीर्वाद रहेंगे तो आगे हम और अच्छा काम करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन आपको बता दें कि ये जो जीत है ऐतिहासिक जीत है और आने वाले इलेक्शन में भी जान फूंकने का काम करेगी, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका वो जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि एमसीडी चुनाव में जिस तरह से सीटें मिली हैं अनएक्सपेक्टेड था, एक ऐतिहासिक जीत है आपके लिए। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। और आपने देखा किस तरह से अपने भाषण के दौरान उन्होंने जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने, और ऐतिहासिक जीत से बताया जा रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश सिरोठिया जी। सिरोठिया जी, एमके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका एमके न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से एक ऐतिहासिक जीत आप पार्टी ने हासिल की है, क्या ये एमसीडी चुनाव तक इसे सीमित रखा जाए या फिर आगे आने वाले भविष्य में जो चुनाव हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आप पार्टी चौंका देने वाले नतीजे हासिल करेगी? दिल्ली की जनता का जो मिजाज है वो अलग अलग हिसाब से चुनाव में वोट करता है। अब आप देखिए, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 68 में से जो है वो 70 में से 67 सीट जीता देता है, 68 सीट जीता देता है। और लोकसभा में जब चुनाव होते हैं तो सातों की सात सीटें बीजेपी के खाते में चली जाती हैं। ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 15 साल से बहुत भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार होने से बहुत जड़ता के शिकार हो गई थी वो, और उस जड़ता को तोड़ने के लिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। और दिल्ली में अमूमन 15 साल तक मौका देने का रिवाज रहा है, जिस तरह की रवायत जो आपको शीला दीक्षित की सरकार भी 15 साल रही थी, तो दिल्ली की जनता बहुत क्लियर है। और दूसरी चीज है जो मुफ्तखोरी कल्चर जो पैदा हो गया है लोगों को फ्री सीट देना, और दिल्ली का इस तरह से कि जातिगत समीकरण बिगड़ रहे हैं वहां पर, खासतौर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या वगैरह के आने के बाद, उसके बाद तो बीजेपी के चांस हमेशा कम होते जाए। ठीक है। राजेश जी, जिस तरह से देखा जाए एमसीडी के चुनाव इज अ डिफरेंट थिंग मान लेते हैं, क्योंकि ये चुनाव पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए, बिजली, स्वास्थ्य, इनके लिए होता है। लेकिन अगर हम ग्लोबल स्तर पर देखें, भारत के स्तरीय परिवेक्ष पर देखें, तो ये जो एजेंडा है जो आप लेके चल रही है विकास का, कि लोगों को रोजगार, पानी या शिक्षा, स्वास्थ्य ये देना चाहिए, वहीं बीजेपी का थोड़ा सा ट्रैक अलग है, तो क्या ये एमसीडी तक सीमित है कि अगर यही सोच और यही मेंटेलिटी लेके या यही विचारधारा लेके आप आगे जाती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक दूसरा पार्टी बन के ये उभरे? दीपक जी, अभी ये एमसीडी के चुनाव से जल्दी निष्कर्ष निकालना, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश के भी रिजल्ट आने वाले हैं, उत्तराखंड में हमने देख ही लिया कि कुछ खास कर नहीं पाई, हाँ पंजाब में उसने निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके से जीत हासिल की है,
अब यहाँ देखना पड़ेगा गुजरात में कल जो नतीजे आने वाले हैं जाते हैं तो। लेकिन एक बात जरूर है कि वो अपनी पैठ तो बना रही है, पैठ बना रही है और कांग्रेस को रिप्लेस करने की मंशा के साथ में वो आगे बढ़ रही है और वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा डैमेज हुई है। देखिए ना अभी आपकी एमसीडी के चुनाव में ही 134 सीटें आ गई उसकी और 104 सीट बीजेपी की आ गई और कांग्रेस केवल 9 सीटों पर सिमट गई, 3 निर्दलीय के पास पहुंच गए। ठीक है, ये सब फिगर दिखाता है कि कांग्रेस का जनाधार जो है वो खिसक रहा है और ये जो है आप उसको भरपाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सरोठिया जिन्होंने कहा है कि एमसीडी के चुनाव एक अलग चुनाव होते हैं, सोच अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं, लोगों की जरूरतें अलग होती हैं, लेकिन अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर लोगों की विचारधारा, धर्म, व्यवस्थाएं, सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है, जरूरतें अलग होती हैं, विचारधारा अलग होती है और लोग का सरोकार पार्टी के साथ किस प्रकार से डिफरेंट रहता है। तो अभी हालांकि देखने वाली बात होगी कि हिमाचल और गुजरात में आप पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करती है।